ज्योतिबा भिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की और अंतिम समय तक वह बराबर सरकार चलाते रहे। उनके अंदर जब वह बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था, लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है एक व्यक्तित्व तो हम सबके बीच से चला गया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Mr. Parrikar has been always commanding, and whatever he decides for himself, he has been deciding. He never listens to his family or even his close ones. So I feel that he must have taken a personal decision that he wants to go back to Goa. So it is for him to decide whether he wants to leave, where, what, which I cannot comment. So it is for him to decide whether he wants to come. So he has decided, must be, that he wants to come to Goa. So that's his decision. Sir, ऐसा और थोड़े दिन दिल्ली में रहना चाहिए ऐसा? अरे पर्सनल डिसीजन, जो उसका पर्सनल डिसीजन, मैं क्या कर सकता हूँ वो उसका उसका अरे मैं जब देखा उसको बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तरह से बात किया, स्पोक टू मी वेल एंड एवरीबडी ही स्पोक टू। सो अभी उसका डिसीजन रहेगा कि गोवा में आके आना है बस। Mind you, there will be a heavy fine if you find drinking from month of August. We are declaring the I intend to do it before August so that we can implement it from 15th August. Same way, littering will also have a very heavy fine, and plastic garbage dumping, police is already doing the job, but the fine is only 100 rupees. It is going to be 2,500. So littering and throwing garbage can be very costly, and I think that is the only way we can sometimes bring the importance of public responsibility to the focal point. I think these are things which also should be understood, and I request EDC to ensure that CSR activity for the city, when there are bottles being not only drinking but bottles are put in those stones, in that the protection slope which has been done along the river, in the gaps between the stones, glass bottles are being pushed in. Now this is dangerous, it can cut someone's foot. How is the Josh? So I will transfer my Josh to you. Goan politics will not be the same again. हम उनके opposition में भी थे, एक
एक टॉप लेजिस्लेटर, एक लीडर जिसने मतलब ग्रास रूट के आदमी को ऊपर ऊपर बना के पार्टी बनाया, और एक गोवा का, मॉडर्न गोवा का आर्किटेक्ट, वी मिस हिम अलॉट। जोड़ के एक सवाल ये कि आपने कहा था कि हमने समर्थन जो दिया वो मनोहर पर्रिकर दिया था है, बीजेपी को नहीं, तो क्या वो स्थिति अभी है? अब मनोहर पर्रिकर नहीं रहे, मनोहर पर्रिकर नहीं है, इसलिए सब ऑप्शंस ओपन है। तो कांग्रेस ओपन मतलब कांग्रेस नहीं, ऑप्शंस तो बहुत होते हैं। अब देखो इंडिया का हिस्ट्री में गोवा से ज्यादा केस लॉ आता है, तो ऑप्शंस ओपन है, बहुत ऑप्शंस ओपन है। पर हमको गोवा में स्टेबिलिटी चाहिए, हमको एक डिसोल्यूशन हाउस का नहीं चाहिए, और सस्पेंडेड एनिमेशन में भी हाउस जाना गोवा के जनता के लिए के भले में नहीं होगा, तो वो सब प्रिवेंट होना जरूरी है। और इसके लिए गोवा को एक अच्छा डायरेक्शन आगे देने के लिए ये लीडरशिप हम चुनने में बीजेपी को सपोर्ट। Parrikar has been always commanding, and whatever he decides for himself, he has been deciding. He never listens to his family or even his close ones. So I feel that he must have taken a personal decision that he wants to go back to Goa. So it is for him to decide whether he wants to leave, where, what, which I cannot comment. So it is for him to decide whether he wants to come. So he has decided, it must be, that he wants to come to Goa. So that's his decision. अरे पर्सनल डिसीजन, जो उसका पर्सनल डिसीजन मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसका उसका, अरे मैं जब देखा उसको बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तरह से बात किया, स्पोक टू मी वेल एंड एवरीबडी ही स्पोक टू, सो अभी उसका डिसीजन रहेगा कि गोवा में आके आना है बस। Same way, littering will also have a very heavy fine, and plastic garbage dumping, police is already doing the job, but a fine is only 100 rupees, it is going to be 2500. So, littering and throwing garbage can be very costly
and I think that is the only way we can sometimes bring the importance of public responsibility to the focal point. I think these are things which also should be understood, and I request EDC to ensure that CSR activity for the city, when there are bottles being not only drinking but bottles are put in those stones in that the protection slope which has been done along the river, in the gaps between the stones the glass bottles are being pushed in. Now this is dangerous, it can cut someone's foot.